मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। LIC ने बयान जारी कर कहा कि अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करके उसे नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जनता को लूटता रहूं। मोदी के काले कारनामे छुपाने के लिए SBI बैंक सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहा है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेसी प्रवक्ता ने मोदी सरकार को उद्योगपतियों के हित में काम करने का आरोप लगाते हुए इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जनता को लूटता रहूं। 2014 में सत्ता में आने के बाद PM मोदी ने देश की एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं से ये वादा किया। एजेंसियों ने भी हाँ में हाँ भर दी। इसके बाद मोदी जी उन्हें दूसरा गाना सुनाने लगे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब एजेंसियां मोदी के प्यार में ऐसी बंधी है कि उनकी हर बुराई में अच्छाई ढूंढ लेती है। ताजा मामला SBI बैंक का है। मोदी के काले कारनामे छुपाने के लिए SBI बैंक सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहा है। मामला इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है, जिसे जारी करने में स्टेट बैंक को मुश्किल से कुछ घंटे लगे। मगर अब जब कोर्ट ने SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों की जानकारी देने के लिए कहा है, तो SBI के पास संसाधन नहीं बचे हैं, जानकारी नहीं है। SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांग ली, मतलब 5 घंटे के काम के लिए 5 महीने। आखिरकार किस लिए? ताकि बिना मोदी का करप्शन सामने लाए लोकसभा चुनाव बिता दिए जाएं। इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, इसका डेटा 6 मार्च तक हमें दीजिए। इसका डेटा काफी ज्यादा है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। कितना टाइम चाहिए? 4 महीने का। हम 30 जून तक आपको डेटा दे देंगे। ये बातचीत सुप्रीम कोर्ट और देश के सबसे बड़े बैंक SBI के बीच की है। देश की जनता को कैसे धोखे में रखा जा रहा है, इसका उदाहरण देखिए। 15 फरवरी को देश की शीर्ष अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और SBI से कहा कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली फंडिंग का पूरा हिसाब दे। अब SBI ने सोचा कि टाइम से हिसाब दे देंगे तो उनके आका BJP की पोल खुल जाएगी, तो उसने दिमाग लगाया और SC से 4 महीने यानी 30 जून का टाइम मांग लिया। आप समझ जाइए कि 4 महीने में देश में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और नई सरकार बन जाएगी। उससे पहले ही BJP के काले कारनामे छिपाने के लिए बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग लिया। सब सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। ये PM नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे को छिपाने की नई चाल है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी BJP का ये धंधा बंद करवा दिया है, इसलिए वो चाहते हैं कि इस धंधे से उन्होंने जितना भी भ्रष्टाचार किया है वो उजागर ना हो जाए, कहीं जनता को पता ना चल जाए इस भ्रष्टाचार का। तब तो चुनाव में उनकी हार निश्चित है, इसलिए वो कैसे भी करके इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों और उन्हें भुनाने वालों की जानकारी छिपाने में लगे हैं। SBI का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा शेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक की मोहलत मांगना दिखाता है कि मोदी सरकार चुनाव तक इसकी जानकारी सामने नहीं आने देना चाहती। SBI कह रहा है कि हमें डेटा इकट्ठा करने में समय लग रहा है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में देश का सबसे बड़े बैंक के पास डेटा ऑनलाइन नहीं है। यही मोदी सरकार की चाल है, जिसमें उसने SBI को अपने साथ मिला लिया है। अप्रैल में चुनाव है। मोदी सरकार चाहती है कि चुनाव में विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड से BJP की लूट को चुनावी मुद्दा न बना ले, उसकी सच्चाई जनता के सामने न आ जाए। तभी SBI 4 महीने की मोहलत मांग रहा है, यानी 4 महीने में चुनाव निपट जाएंगे और PM मोदी का भ्रष्टाचार जनता के सामने नहीं आ पाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। BJP ने 2019 के चुनावों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2555 करोड़ रुपए जुटाए थे। ADR के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 55% यानी 6565 करोड़ रुपए का चंदा अकेले BJP को मिला है। ये सब BJP के काले कारनामों की क्रोनोलॉजी है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी देश की सरकारी संस्थाएं और कंपनियां ऐसा ही कुछ कर चुकी है। नोटबंदी को भला कौन ही भूल सकता है, साथ ही उस फैसले का समर्थन करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिस घटिया डिसीजन से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, देशवासी तबाह हो गए। देश का शीर्ष बैंक उसी का सपोर्ट कर रहा था। 2000 का नोट लाना भी मास्टर स्ट्रोक था और उसे वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक। अब बात मोदी के खास दोस्त अडानी की। अडानी को बचाने के लिए LIC एकदम नीचे तक गिर गई। अडानी ग्रुप के कारण LIC यानी भारतीय जीवन बीमा को कंपनी को 2 दिन में 16,600 करोड़ का नुकसान हुआ था।
साहिब के इशारे पर अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों में LIC ने भारी निवेश किया, लेकिन अडानी के शेयर गिरे और LIC को खूब नुकसान हुआ। जब मोदी सरकार की आलोचना हुई तो LIC ने बयान जारी कर कहा कि अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करके उसे नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। अब देखना यह है कि PM मोदी कांग्रेस के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हुए हेराफेरी के आरोप को खंडन करेंगे या सच साबित होने देंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप Net7 न्यूज चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने यार परिवार रिश्तेदार में शेयर करें, ताकि देश दुनिया की और भी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद। नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।